आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट डोसे की रेसिपी, वो भी लोहे के तवे पर कैसे बनाते हैं ये मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही आसानी से एकदम मार्केट जैसा लुक आएगा, मार्केट जैसा टेक्सचर और मार्केट जैसा ही स्वाद आपको मिलने वाला है घर पर। तो बस ये देखिए कितना क्रंची और एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका हमारे चैनल MBH प्रीतो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। अगर बैटर हमारा परफेक्ट होगा तभी डोसा परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल, यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी चावल लिया है, साथ में लिया है हमने उड़द की दाल, जो नॉर्मल उड़द की दाल जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने में, उसी दाल को हमने यहाँ पे भिगा दिया है और इसे अच्छे से क्लीन करके छिलका निकाल देना है। साथ में यहाँ पे लिया मेथी दाना, इस चम्मच से मेथी दाना एक बड़े चम्मच है, ये फर्मेंट में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि अगर एक बार मेथी दाना के साथ आप बनाकर देखें ये रेसिपी तो बहुत परफेक्ट तैयार होगी, आपसे भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। साथ में यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े चम्मच के करीब, यानी जो ये दाल है इसका हाफ लिया हमने चने की दाल, इस चम्मच से मेजर करें तो 2 बड़े चम्मच है। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से भिगा कर रख लिया है और ये अच्छे से फूल चुके हैं, इनको छान लेना है और मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लेना है, यानी इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो बस इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट बना कर रख लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ परफेक्ट कैसे होगी। तो अभी ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, बैटर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो डोसा हमारा अच्छा नहीं बनेगा, यानी कि आप उसे फैलाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो बस चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं पहले तो नमक। तो यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार से नमक ले लिया है और इसको हम ऐड कर देंगे। नमक के बाद डोसा का बैटर थोड़ा सा पतला होगा तो हमें पहले नमक डाल देना है। अब हमें मेज़र करना है, अभी भी डोसे का बैटर जो है हमारा थोड़ा सा थिक है, ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो बस इसको थोड़ा सा और पतला करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पानी, ये आधा कप पानी है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिक्स कर लें, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब आधा कप पानी और लगाया है हमें इस डोसे को बैटर को बनाने के लिए। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लें, बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा तैयार है। इस तरीके से बैटर बनाएंगे तो आप किसी भी कीमत पर बहुत आसान तरीके से मार्केट जैसा टेक्सचर के साथ डोसा बना सकेंगे। तो बस चलिए डोसा तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने लोहे का तवा लिया है, नॉर्मल जो घर में रोटियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हमने हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। आपको यहाँ पे सारी कुकिंग हाई फ्लेम पर करनी है, लास्ट में आपको मिडिल फ्लेम पर करनी है, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो बस अब इस पर रखना है ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तवे को एकदम हाई फ्लेम पर हीट रखना है और इस पर डालना है थोड़े से पानी के छींटे और अब हमें इसको अच्छे से क्लीन कर देना है अच्छे और साफ़ कपड़े की हेल्प से। तवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, हाई टेम्परेचर पर और अच्छे से क्लीन भी है। तो अब हमने लेना है अपना डोसे का बैटर। तो यहाँ पे हमने बैटर ले लिया है और मैं इस तरीके के कलछी का यूज़ कर रही हूँ बैटर को फैलाने के लिए। तो बस एक बार में एक कलछी डोसा का बैटर हमें लेना है और बीच में इस तरीके से डाल देना है और बहुत ही आराम से इसको हमें घुमाते हुए चारों तरफ से स्प्रेड कर देना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है डोसा हमारा, एकदम क्लीन और एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब जब इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो जाए तो हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल, यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑयल यूज़ कर रही हूँ और बस इसके किनारों पर डाल देना है और थोड़ा सा ऑयल हमें बबल्स के बीच में भी डाल देना है, जिससे डोसा हमारा अपने आप से उठकर बहुत अच्छे से आता है और अच्छे से पक भी जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से डोसा करीब हमारा पक चुका है। अब जो भी फिलिंग है उसको ऐड करते हैं, आपको जो भी पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी आलू की फिलिंग लगाई है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी टमाटर और प्याज के साथ गार्निश कर लूँगी। आप इसमें प्याज, टमाटर, हरी मटर, आलू या आपकी जो भी फेवरेट सब्जियाँ हैं वो ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और बस थोड़े से पनीर को गार्निश कर लेंगे।
एकदम परफेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है डोसा। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये तवा छोड़ रहा है और यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से पक भी चुका है। तो बस चलिए अब हम उठा लेते हैं डोसे को। ये देखिए बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो गया है। अब इस तरीके से हम इसे मोड़ लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनाना कितना आसान तरीके से, एकदम मार्केट स्टाइल डोसा हमारा। तो बस इस तरीके से यहाँ पे रख लीजिए प्लेट में और गर्मा गर्म सबको सर्व कीजिए। बहुत अच्छा लगने वाला है, एकदम मार्केट का लुक, मार्केट का टेस्चर और मार्केट का ही स्वाद मिलने वाला है। तो गाइस कैसी लगी आज की रेसिपी, आई होप पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट कर लें ताकि हमारी हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।